उज्जैन में कांग्रेस ने लॉकडाउन में किसान और मजदूरों को होने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। दो विधायकों ने पैदल मार्च भोपाल तक शुरू ही किया था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लॉकडाउन के दौरान किसानों और मजदूरों को आ रही दिक्कतों को लेकर कांग्रेस के दो विधायकों ने किसान मजदूर न्याय पद यात्रा निकाली। यह यात्रा बाबा महाकाल के मंदिर से शुरू हुई। यात्रा में तराना विधानसभा के कांग्रेस विधायक महेश परमार और आलोट विधानसभा के विधायक मनोज चावला शामिल हुए। दोनों विधायक और 5 कार्यकर्ता बाबा महाकाल के शिखर दर्शन कर हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा पर निकले। यहां कांग्रेस विधायक का कहना था कि प्रदेश में किसानों और मजदूरों की हालत बदतर होती जा रही है, इसलिए हम उनकी लड़ाई लड़ने मैदान में उतरे हैं। हम गांधीवादी तरीके से हमने ई पास लिए हैं, भगवान महाकाल के चरण वंदन करके, शिखर दर्शन करके, विधायक मनोज चावला जी और हमारे 5 साथी, हम सब उज्जैन से भोपाल पद यात्रा कर रहे थे। शांति से जा रहे थे, जो मजदूर का आत्म दर्द है वो आत्मसात करने के लिए, जो भारतीय मोदी सरकार ने जो हजार हजार किलोमीटर चल के जो मजदूर मर रहा है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पश्चाताप करना चाहिए, इनको पश्चाताप करना चाहिए कि इस तरह की हरकत। और आज हमको लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम शांति से जा रहे थे कि मजदूर की बात को आत्मसात करने के लिए, जो तकलीफ है, दूर है, दर्द है उनका, जो मर रहे हैं, ट्रेन पटरी में कट के मर रहे हैं, तो वो मोदी और शिवराज सिंह को जगाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी? ये भगवान महाकाल मंदिर दर्शन करके भोपाल तक की यात्रा है हमारी, जाएंगे यात्रा। आपने परमिशन वगैरह ली? हाँ, पूरी परमिशन ले रखी है, मैं अनुमति ले रखी है। पीले चावल शिवराज सिंह चौहान जी को देने जा रहे थे कि उज्जैन में 45 मौतें हो चुकी है इंदौर में, तो आप अभी तक आपके स्वास्थ्य मंत्री और आप आए नहीं हैं, तो क्या है ये? तो हमारे साथी विधायक मनोज चावला जी, अजीत सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, सोनू शर्मा, गाजी रणछोड़ त्रिवेदी, हम सब लोग शांति से जा रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं किस तरह लोकतंत्र की, जो लोग कानून तोड़ रहे हैं, हम किसी से कहीं बोल नहीं रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर रहे, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर रहे, तो आप देख लीजिए क्या स्थिति है। परमार जी, विधायक तराना और आलोट के विधायक मनोज चावला जी, न्याय यात्रा का उद्देश्य किसान, मजदूर और भूखमरी से मर रहे लोगों के लिए है। जैसा कि आपने देखा कि पुलिस ने किस तरह दमन किया इन लोगों पर, इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इस तरह की न्याय यात्रा पर ये तानाशाही है। यह देखा जाए तो आपातकालीन स्थिति बना दी है, जिस तरह से घेर के पुलिस उनको पकड़ के ले गई, ये अच्छी व्यवस्था नहीं। दादा, आपको नहीं लगता है कि इस तरह से जिस तरह लॉकडाउन है, इसे में यात्रा फिलहाल अभी स्थगित कर देनी चाहिए थी, क्योंकि पूरा देश मेरी बात सुनिए, लॉकडाउन तो है पर परमिशन भी प्रशासन नहीं दी है सबको जाने की, सबके पास परमिशन है और परमिशन के बाद निकालने नहीं देना यह अप्रजातांत्रिक है। बुधवार को कांग्रेस के दो विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश सरकार के खिलाफ पैदल यात्रा पर निकले थे। महाकाल मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा कुछ ही दूर पहुंची थी कि पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए। जब पुलिस ने धरने से उठने को कहा तो वे नहीं माने और यात्रा जारी रखने की बात कही। इसी पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए कांग्रेसी विधायक महेश परमार और मनोज चावला को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया व केंद्रीय भैरवगढ़ जेल भेज दिया। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, विधायक जी और उनके साथियों द्वारा लॉकडाउन के जो प्रतिबंध है उनका उल्लंघन किया है और इन लोगों ने रेड जोन के इलाके से होकर बाहर जाने का प्रयास किया है। धारा 144 के तहत कर्फ्यू आदेश भी यहाँ आरोपित है, इसलिए इन प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गिरफ्तार करके जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। तराना विधायक और आलोट विधायक और उनके साथी जो हैं, महाकाल मंदिर के सामने एकत्रित होकर उन्होंने लॉकडाउन का वायलेशन किया है और उनके पास जो ई पास उनके द्वारा बताए गए थे, ई पास केवल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जारी होते हैं, राजनीतिक प्रयोजनों के लिए जारी नहीं होते हैं। और उनके द्वारा लॉकडाउन का जो वायलेशन किया गया उसके कारण जो है उनको 151 के तहत गिरफ्तार किया गया, विरोध में लिया गया है। तो कितने लोगों को आपने? अभी लगभग 7 लोग हैं।